की जोड़ी आ गई है आज आपको दिखा रहे एक बहुत ही अमेजिंग हॉट डॉग प्लेस, जहाँ पे ये जोड़ी ना कमाल करके दो भाइयों की है और लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं इनके स्पेशल हॉट डॉग खाने। कल भी हमें अंकल मिले थे और उन्होंने इतनी तारीफ कर दी ना, मैंने कहा यार इनकी वीडियो बनानी बनती है। आज हम स्पेशली आए हैं और मौसम हो रहा है बहुत ही बढ़िया भाई, मस्त है मौसम, खुले आसमान के नीचे भैया का ये स्टॉल लगता है, छोटी सी साइकिल के ऊपर पीछे छोटी सी भैया की दुकान है और भाई लगे रहते हैं दोनों भाई हॉट डॉग बेचने के लिए। भैया दूसरे भाई कहाँ पे है? लाखा जी रोड पे दूसरा गया ना, उधर भी हॉट डॉग का ही है। अच्छा, और भैया मेरे को बता रहे थे कि भाई ये इस दुकान पे 5 से 6 लोगों का स्टाफ रहता है, आज 4 बंदे छुट्टी पे है। बरसात की वजह से नहीं आते हैं अभी, 2-3 लोग तो दूर से आते हैं, नहीं इधर ही रहते हैं, लड़के हैं ना वो, कभी कभी नहीं आते। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मक्खन की खुशबू आ जाएगी आपको गेट के बाहर तक। ओए भाई, तो आप ढूंढते ढूंढते आ जाना, अभी दिखाते हैं ये बनता क्या, ऐसे इसके अंदर डलता क्या क्या है। हम लोग आज रेस कोर्स चौक पे और एयरपोर्ट का गेट पड़ता है ये, कि बाहर से निकलोगे ना तो मक्खन की खुशबू तुम्हें अंदर खींच लाएगी और इस हॉट डॉग को एंजॉय करना। क्या बात है भाई, एक जगह चीज भैया घिसते रहते हैं, ये नहीं पहले से बना रखा है, इसको फ्रेश घिसते रहते हैं और एक जगह मक्खन में यहाँ पे हॉट डॉग सिकते रहते हैं। तो भैया अपना वैरायटी क्या क्या रहता है? सिर्फ एक ही चीज हॉट डॉग रहता है, एक ही चीज है हॉट डॉग, और इतनी भीड़ लगी रहती है। मैं पूछ रहा था, मैं कहा भैया और चीज़ें कब चालू करोगे? भैया कह रहे भाई इससे ही मेरे को सांस मिल जाए तो मैं दूसरी चीज चालू करूंगा ना। कितने बजे से कितने बजे तक आते भैया आप? शाम को 5 बजे लगाता हूँ, 10 बजे चला जाता हूँ। अच्छा, क्या बात है यार, यहाँ के लोगों का बड़ा सही सीन है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आना है, इसी टाइम आना है, खाना है। तो आप अगर राजकोट आओ ना तो शाम के टाइम में आपको यहाँ पे मामला मिलेगा खाने के लिए, दिन में तो वही खाखरा थेपला फाफड़ा और शाम को हॉट डॉग एंजॉय कर सकते हैं। और भाई हॉट डॉग के साथ साथ ना यहाँ पे मेला लग रहा था, मैं पूछा था भैया सीजनल है लगा रहता है? भैया कह रहे भाई लगा ही रहता है। क्या बात है, अगर आप फैमिली के साथ विजिट कर रहे हो ना तो यहाँ पे आ सकते हो, बहुत सारे मेले झूले और बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे पार्क है। तो अभी इसकी मेकिंग आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चटनी लग गई है, इसके ऊपर गया है सींग दाना सॉस और ये खूब सारी प्याज, अब खूब सारा चीज, जिसके बिना गुज्जू भाई हमारे अधूरे हैं। भाई यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ट्रेंड है चीज का, हर चीज का भैया सही बात, पानी पूरी में भी खाते हैं, चने में भी खाते हैं, मक्खन वाले ब्रेड में सुबह भी खाते हैं। क्या बात है, चाय में नहीं डालते, शुक्र है हमें। चाय में तो नहीं डाल के खाते ना? वो तो नहीं होता, कह रहे मैं तो नहीं खाता। अच्छा, ये चटनी किस चीज की है? लीली है वो, सींग और मर्चिया और चावल सब मिलता है उसमें। ये नीली तो नहीं, हरी है, लीली चटनी है ये, हरी है, लीली है, हरी है। आपके वहाँ नहीं मिलती, आपको कैसे पता? अरे नीली भैया का कहने का मतलब है मिर्च का नाम है बेसिकली, नीली उससे बनाई जाती है और ये राजकोट की बहुत ज्यादा फेमस है, लोग पैक करा करा के लेके जाते हैं दूसरे शहरों में, ऐसा मुझे यहाँ के लोगों ने बताया। क्या बात है भाई, इसको काट के दे देंगे भैया, इसका प्राइस क्या रहता है? प्लेन का 40 रुपए, चीज वाले का 60 रुपए है। तो भाई भाई खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मेरे को बता रहे थे भैया अक्सर आते रहते हैं, तो भैया कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कैमरे के आगे साहब आके ना थोड़े ऐसे रहते हैं, बढ़िया है। वैसे तो भैया बताते अरे बहुत बढ़िया, रोज आते हैं। कैमरा बंद कर दो तो मैं बताता हूँ कैसा है। बताओ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और भाई एक पीछे भाई खड़े हो गए, एंजॉय कर रहे हैं, भाई खा चुके हैं भाई, अब पैक कराने के लिए खड़े हो? हाँ, एक खा चुके, एक घर जाके खाऊंगा, फिर पैक कराने के लिए खड़े। तो कब कैसा लगता है बेसिकली? अच्छा, मस्त। कितने टाइम से खा रहे हो? कब से खा रहे हो? पता नहीं, वो गिना याद ही नहीं है, इतनी खाली भैया ने याद ही नहीं करा कब से खा रहा हूं मैं। हम लोग आ चुके लेकर अपना भाई, ये जो मैंने लगवाया वो लगवाया बिना चीज का, और प्रियंका दी ने चीज का सिंपल दो ही तो कैटेगरी है। तो बेसिकली यहाँ पे ना चीज को मेल्ट नहीं किया जाता है, इसको ऐसे ही रॉ चीज ज्यादा प्रेफर किया जाता है पूरे गुजरात में। भाई ये देखो अच्छे से तुम्हें सींग दाना मिलेगा इसके अंदर। क्या बात है, मसालेदार। तो चीज ऊपर से कवर्ड है ना, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाऊंगी। तो हरी चटनी दे दी आपको? मेरे को नहीं दी, हरी नहीं है, लीली चटनी। अरे लीली चटनी दे दी। ओह गुड, काफी सही है यार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जो इन्होंने चटनी दी ना लीली वाली, ये काफी अच्छी है और ये पीनट्स का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, क्रंचीनेस आती है ना एकदम से मुंह के अंदर। और भाई हॉट डॉग का ना हर शहर के हिसाब से स्वाद बदल जाता है और शकल और रंग रूप बदल जाता है। अगर दिल्ली में जाओगे तो वो राउंड सा मिलता है आलू का पेस्ट लगाकर, अगर तुम्हें ये एंजॉय करना है तो तुम लोग आ सकते हो रेस कोर्स ग्राउंड में, एयरपोर्ट का गेट है ये, यहाँ से एंटर करोगे तुम्हें राजीव गांधी जी का पुतला दिख जाएगा ऐसे हाथ हिलाते हुए, और इसी गेट से एंटर करके अपना हॉट डॉग लगवा लेना। तो बेसिकली हमने जो ढूंढा था ना वो इसी को पूछते पूछते ढूंढा था, आप भी अगर कभी आ रहे हो और आपको नहीं मिल रहा ना तो किसी को ये फोटो दिखाना कि भाई ये वाला पुतला गया है, उसके बिल्कुल साइड में आपको भैया मिल जाएंगे। और पीछे गाड़ी हॉर्न दे रही है ऋषभ को कि साइड हो जा भाई, यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं, बाइक आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं बाइकों से स्कूटियों से सिर्फ खाने के लिए एंजॉय करने के लिए। हॉट डॉग खाने आयो? क्या बात है भाई, तुम भी अपने दोस्तों को टैग कर दो जो हॉट डॉग के शौकीन है या ऐसे स्ट्रीट फूड के शौकीन है। हम मिलते हैं तुमसे राजकोट की एक बढ़िया सी वीडियो में।